अस्सलाम वालेकुम, मैंने मिसा बहुत अहमद और आप सब लोग कैसे हैं। उम्मीद रखते हो कि आप सब बिल्कुल ठीक ठाक खैर खैरियत से होंगे। तो आज की जो मेरी वीडियो है वो है जो डर्टी ब्रशेस और ब्यूटी ब्लेंडर्स स्पंजेस वगैरह को किस तरह से वॉश करते हैं। तो मैं जिस तरह से वॉश करती हूँ मैं वही बता रही हूँ आपको। मेथड मैंने ले लिया है नीम गर्म पानी, उसके अंदर पर मैं डाल रही हूँ थोड़ा सा हैंड वॉश। हैंड वॉश इसलिए डाल रही हूँ क्योंकि ये एलोवेरा का है, वरना आप कोई भी लिक्विड जो आपके पास हो इसमें बॉडी वॉश भी लोग डालते हैं बहुत से, और बहुत सो को मैंने देखा है जो डिश वॉशर होते हैं डिश वॉशर्स के जो वो होते हैं ना लिक्विड वो भी डाल देते हैं, मगर मैं यहाँ पर एलोवेरा वाला मेरे पर हैंड वॉश रखा हुआ था तो मैंने वही डाल दिया इसके अंदर। उसके बाद फिर मैंने इसके अंदर कर दिए थे अपने स्पंजेस और ब्रशेस को डिप। डिप करने के बाद इसको मैंने 15 से 20 मिनट के लिए छोड़ दिया था इसके अंदर ही। पहले स्पंजेस को ना अच्छे से इसके अंदर सोक कर लिएगा कि पानी उसके अंदर जाए जस्ट हो, क्योंकि उसके बाद ही फिर उसके अंदर की जितनी भी डर्ट और सारा मेकअप का प्रोडक्ट होगा वो तभी निकलेगा। और इसको भी मैंने छोड़ दिया था थोड़ी देर के लिए। उसके बाद फिर मैंने इसको इसमें से जो डबल ब्रशेस थे उसको 15 मिनट बाद में दोबारा से अलग कर रही थी कि दूसरी तरफ से भी उसको डिप कर दूँ। उसके बाद मैंने इसको छोड़ दिया था इसके अंदर दोबारा से, और फिर मैं कर दूँगी इसको नीम गर्म पानी से, कह रही सॉरी जो नॉर्मल टैप वाटर होता है उससे, फिर मैं इसको वॉश करके ड्राई करने के लिए रख दूंगी। इसको मैंने फिर ड्राई करने के लिए इस तरह से रख दिया था कि मैंने टिश्यू पेपर को डबल ट्रिपल जो उसकी लेयर बना के इसके ऊपर मैंने इसको रख दिया। इसके साथ जो ब्रशेस के जो ब्रशेस होते हैं वो से सही से अच्छे से पानी इसका निचड़ जाता है उसमें, और फिर स्पंजेस भी धुल जाते हैं। तो मेरी ये थी आज की वीडियो, उम्मीद रखती हूँ आप सबको पसंद आई हो। अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, और मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। Think positive and stay positive.